दोस्तों द फैक्ट टाइम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी बातचीत आपकी जनता से करवा रहे हैं। आज हम डेरा सुजा सौदा में जुड़े हुए। नमस्कार मैम, आपका नाम? पादोसरोवा। ओके, कितने टाइम से आप डेरा सुजा सौदा से जुड़े हुए हैं? पहले दादाजी आते थे, फिर पापा जी आने लगे, फिर अब हम आने लगे हैं। बहुत टाइम से आने लग रहे हैं, 10-15 साल से आते हैं हम यहाँ पर। आप इतने सालों से डेरा सुजा सौदा में आ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पर आने के बाद? हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं और ऐसे ही बस सब परिवार आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पर आके। मैम, मीडिया में 4 साल पहले लड़कियों के सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में अब तो ऐसा ही हो रखा है, पहले का और अब का बहुत अंतर है। लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, अब समान अधिकार मिल रहा है उनको, अब अच्छा लग रहा है। मैम, मैंने काफी कुछ सुना है, मीडिया में बहुत कुछ सवाल उठाए गए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, और धर्म के मामले में भी बहुत कुछ बोला गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, धर्म के बारे में क्या, ये तो सभी होता है, अपना अपना धर्म होता है, ठीक है, अपना सब सुरक्षा का वजह अपना होता है, अपना धर्म होता है, ठीक है। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे संत जी के लिए? सरकार से तो मैं यही अपील करना चाहूंगी कि कोई लड़का और लड़कियों किसी में भेदभाव ना रखे, अच्छा सब कुछ अच्छा होना चाहिए बस। देखा दोस्तों आपने, लगातार जनता यही अपील कर रही है सरकार से कि संत जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट। धन्यवाद।